रामपुर में धर्म परिवर्तन पर सियासत तेज है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची भी इस विवाद में कूद पड़ी हैं। प्राची ने बिना नाम लिए आजम खां पर सीधा हमला बोला। बीच सड़क पर पुलिस की मौजूदगी में हंगामा कर रही ये हैं साध्वी प्राची। साध्वी को जो ही वाल्मीकि समाज के लोगों के धर्म बदलने की खबर मिली, दल बल के साथ रामपुर पहुंच गई। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची वाल्मीकि बस्ती में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बस्ती तक पहुंचती इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। क्या कर रहे हो यार? किस तरह से? अरे यार क्या कर रहे हो? हाथ हाथ में कुछ नहीं है। एक मिनट, हाथ नहीं छूते हो? एक आतंकी के कहने पर बस्ती अब तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है, और आतंकी के कहने पर धर्मांतरण की तैयारियां चल रही है। आखिर क्यों प्रदेश सरकार चुप क्यों है, इसका जवाब चाहिए। रामपुर की सियासत में बीजेपी भी टूट पड़ी है। पार्टी नेताओं ने यूपी सरकार से सफाई मांगी है। रामपुर में जो कुछ भी हो रहा है वह उत्तर प्रदेश सरकार के लिए शर्मनाक है। सत्ता की आड़ में अगर हिंदुओं का धर्मांतरण होगा तो इसकी भारी कीमत उत्तर प्रदेश सरकार को चुकानी पड़ेगी। धर्म परिवर्तन सिर्फ एक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए जहां जबरदस्ती किसी को अपना धर्म त्यागना पड़ जाए या दूसरा धर्म अपनाना पड़े।